हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के क्लाइंट्स काफ़ी क्यूट हैं और एक साइडर का हमने मेकअप कर लिया, उनकी हेयर स्टाइल कर रहा है और दो लोग ऑलरेडी रेडी होके जा चुके हैं। तब हमें याद आया कि हमें व्लॉग के लिए भी वीडियोस बना लेनी चाहिए, तो अभी हमें वीडियो शूट कर रहे हैं और हम कर रहे हैं हेयर स्टाइल। इनका गाउन काफ़ी अच्छा लग रहा था, बार्बी टाइप लुक था। और अभी हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, हम ज्वेलरी सेट कर रहे हैं। इनके हेयर बहुत ज़्यादा कर्ल थे, इसलिए इनके हेयर स्टाइलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। एकदम पहले स्ट्रेट करना पड़ा, फिर उसे क्रिम्प किया, उसके बाद फिर हेयर स्टाइल की। ये छोटी दुल्हन, आज तुम्हारी शादी है? शादी है? ऐसे यूट्यूब बना रही है। हाँ, क्या मेरा अभी क्या कह रही थी मम्मा से, रात हो गई है, कब चलो बता दो। तो हुमैरा और शारबा अब जा रही हैं अपनी खाला के रिसेप्शन में। तो हुमैरा बोल रही थी कि अब क्यों चल रही हैं, अब तो रात हो गई है, सब सो गए होंगे, तो सुबह चलिएगा, आराम से सो के उठिएगा, तब बुलाने चलिएगा, जिससे सब कहें कि मोहल्ले वाले सो गए होंगे तो उठ जाएंगे वो लोग, हम लोग को देखेंगे, तब हम लोग आंटी को ले कर आएंगे। मोहल्ले वाले सो गए होंगे। तो अभी सबका मेकअप और हेयर स्टाइल डन हो चुका है। ये आज की हमारी लास्ट क्लाइंट थी और हमारा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। हाय, हंसो, स्माइल करो। ये मेरा ट्यूशन स्टूडेंट है जिसकी स्माइल बहुत अच्छी है और बहुत स्टाइल में ट्यूशन आता है। क्यों इसको लगाते हो? हाँ, क्यों लगाते हो बता दूँ? क्यों बताओ, हटा देंगे फिर, हटा दे फिर, बताओ क्यों इसको लगाते हो, बताओ। आ? तो क्या हुआ, हटा दो, हटा दे। और चश्मा क्यों लगा के आए हो? इनको आई फ्लू अभी हुआ नहीं है, लेकिन होने के चांसेस हैं, इसलिए इनकी मम्मा इन्हें ट्यूशन नहीं भेज रही थी, लेकिन ये रो के आए, कहें आप तो चाहती हैं कि हम ना पढ़ पाए, ऐसे बोलो ना मम्मा से, है ना? बिल्कुल फ्लैट है। ये मेंटा सी टूटी गया ये तो। आ, नहीं तो चॉकलेट है। अरे तो स्पून था भाई, नॉर्मल था, तुम तोड़ दी बताओ। अरे भाई वुड का है। बताओ, लकड़ी खा भाई, एक लड़की लकड़ी खा गई। हम सोचे अभी तुम जब थोड़ा थोड़ा खाओगी, मेल्ट होगा, तब तुमको पता है, तुम डायरेक्ट ही काम खत्म कर दी। ये खाइए खाइए। क्या पी जाएगी? टेस्टी है। स्पून खाओ। अब वो स्पून ही है। क्या चंपू बनने का ज्यादा शौक है? तुम हो चंपू? नहीं, चंपू पता है किसको? देखें, अच्छा तो तुम कैरेक्टर में जा रही हो क्या? चलो बताओ। ओफो, कैसे कहता है? पानी 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 अंकल जी, प्यास लगी है, गला सूख रहा है। नौटंकी हो तुम। पानी पानी पानी। क्या लेने गई थी? नाम बताओ। LAC।
हमको पढ़ना नहीं आता। तो तुमको डर नहीं लगी थी क्यों? सूर्य फलक याद, याद है सूर्य फलक? हाफिज जी कूट कूट के पढ़ाते हैं, क्यों ना याद होगा। हया के हाफिज जी बहुत स्ट्रिक्ट है ना हया बेबी, है ना। अभी हो गया नेक्स्ट डे और आज अम्मी का बहुत मन था नानी के घर जाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो नहीं गई हैं, नियर अबाउट 1 month हो रहे हैं। तो इस बार भाई जी भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आए थे और फिर काफ़ी चीज़ें थी, पापा को भी नहीं टाइम मिल रहा, तो इसलिए अम्मी नहीं जा पाई थी। तो आज अम्मी ने बोला कि चलो चलते हैं, मेरे पास भी टाइम था, तो अभी हम अम्मी जा रहे हैं नानी के घर। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं बैंक रोड। तो हम लोगों ने अपना ग्रेजुएशन जगत तारण डिग्री कॉलेज से किया था। तो जब हम सारे फ्रेंड्स इसी रोड से आते जाते थे, मतलब डेली का आना जाना था, तो बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि इस रोड से जुड़ी हुई है हम लोगों की। तो जब भी हम लोग यहाँ से जाते हैं या स्कूल वाली रोड से भी जाते हैं, तो वो सारी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं। क्या की? ये तो क्या की है? क्या हुआ आपका? क्या हो गया बताओ, बता दो, बता दो। पाउडर साफ कर दी, अब बोल दो, कुछ नहीं कहेंगे। ये ट्यूशन आए रोते रोते, रो रहे थे, जेबा इनका आंसू पोंछी तो कह रहे तुम मेरा पाउडर साफ कर दी। जेबा मारती है, मारती है ना, आज हम इसको मारेंगे, ठीक है ना भैया? देखो ऊपर देखो, देखो ये किस माँ मुझे, अरे बाप रे। क्या बनोगे आप, क्या तला? जब भी कहीं जाओ तो टाइम ऐसे जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो काफी लेट हो गई थी, तो हमने अपने ट्यूशन स्टूडेंट्स को भी छुट्टी दे दी थी और हम लोग चले आए थे फिर दीपाली के घर। तो अब जब भी हम जाते हैं तो रॉकी बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। पहले आते थे हम तो पहले वो हमें स्मेल करते थे, जिस वजह से हमें काफ़ी उलझन होती थी। सिर्फ हम, मेरी इनसे इतनी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये स्मेल करते थे। फिलहाल अब ये बिल्कुल हमें टेस्ट नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। दीपाली ये डॉक्यूमेंट को ऐसे पन्नी में रख रही, पन्नी में। तो बैग खाली कर लो, किस में रखे? अच्छे से कोई कह रही बैग में रखो, आंटी दे। नहीं देखो, चलो। तो ये है ए टू जेड मार्केट, ए टू जेड सामान मिलता है यहाँ, ए टू जेड सामान मिलता है। तो हम लोग अपने स्कूल टाइम यहाँ आया करते थे, और जब किसी का भी बर्थडे होता था तो यहीं से बस गिफ्ट यहीं से लेते थे हम लोग। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।